नमस्कार दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस ट्रैक में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक इलेक्ट्रिक ट्रिमर मंगाया है। जैसा कि आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक हेयर क्लिपर है ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। ये लगभग 899 रुपये का ये ट्रिमर है। काफ़ी अच्छा ट्रिमर है ये, बिल्कुल जो मैंने मंगाया है बिल्कुल वही प्रोडक्ट आया है और बिल्कुल सही चल रहा है। ये है RF6666 का, RF666 है ये, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा ट्रिमर है ये, तो मैं आज इसका रिव्यू दे रहा हूँ, आप भी इसे ले सकते हो। 899 रुपये का मैंने मंगाया है। 220 से 240 वॉट का है ये, जैसा इसमें लिखा हुआ है, और काफ़ी अच्छा ट्रिमर है, काफ़ी बढ़िया चलता है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें मिली हैं और मैं थोड़ी सी इसका डेमो भी करके दिखाऊंगा। ये ट्रिमर है वो, जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें लिखा भी है RF FYC, मैरून कलर का है और पीछे से क्रीम कलर का ट्रिमर है। ये इलेक्ट्रिक ट्रिमर है। अब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर डेमो करके दिखाऊंगा। लगभग 1.5 मीटर ये वायर है जो मैंने कनेक्ट कर रखी है पावर से। जो ये वाला लीवर है, ये जो ब्लेड है, जो पीछे वाला ब्लेड है, अगर आप इसे दबाओगे तो ये पीछे वाला ब्लेड आगे निकल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो। फिर इसे कम करोगे फिर ये पीछे चला जाएगा। ये एडजस्टेबल है, आप इसे पीछे आगे कर सकते हो जब आप अपने हेयर काट रहे हो। दूसरी ये वाला लीवर हो गया। इसके बाद आप इसे लॉक भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि ये जो आगे निकल रहे हैं दांत, इसके जो आगे निकल रहे हैं, जो इसके दांत आगे निकल रहे हैं, अगर आप इसे फिक्स करना चाहते हो तो आप इसे दबाए रखोगे। और यहाँ पर एक बटन है, ये जो आप देख रहे हो, आप इसे नीचे कर दोगे। जैसे ही आप नीचे कर दोगे तो ये जो है ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, फिर ये अप एंड डाउन नहीं होगा और ये दांत एक जगह फिक्स हो जाएंगे, मतलब आगे की तरफ फिक्स हो जाएंगे, जैसे ही आप इसे नीचे कर दोगे। अब जैसे ही आप इसे ऑफ कर दोगे, ऊपर कर दोगे, तो ये देखिए, ये जो उसके दांत आगे निकल रखे थे ये बिल्कुल पीछे वाले दांत के बराबर हो गए और आपका लीवर भी यहाँ से फ्रीली हो गया। तो ये बटन है, और ऑन ऑफ का बटन है वो आप यहाँ पर है, अभी मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं इसे चला के, ये भी ऑन ऑफ का है। अब इसे नीचे कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और अब इसे आप ऊपर कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और 1.5 मीटर की लंबी वायर, आप इसे दूर से भी आप कटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे बॉय कट हो चाहे गर्ल कट हो, मतलब हर एक तरीके के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी इसमें आपको जो डेमो दिखाऊंगा वो अपने लेग का करके दिखाऊंगा। लेग में जो मैं हेयर हैं जो मेरे, जैसा कि आप देख रहे हो, इसे मैं रिमूव करके दिखाऊंगा इस ट्रिमर के थ्रू। दूसरी चीज़, इसमें एक और चीज़ है, इसमें आवाज़ को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसा कि आप ये देख रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा वो दिया है, इसे आप घुमाओगे तो अगर आप अपनी अकॉर्डिंग, आपको कितनी आवाज़ चाहिए, जैसे मेरे को आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर मेरे को कम आवाज़ चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको चला के दिखाया, ये कम आवाज़ आ रही है, यानी मैं इसे इतनी आवाज़ पे सेट कर दूंगा। अगर आपको इसे तेज़ आवाज़ चाहिए तो ये जो बटन है स्क्रू का, आप इसे लूज़ कर दोगे या टाइट कर दोगे, तो जैसे जैसे आप घुमाओगे वैसे ही इसकी आवाज़ बढ़ती रहेगी कम होती रहेगी, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने इसे अपने आवाज़ के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट कर रखा है ताकि आवाज़ मेरे को ज़्यादा शोर सुनाई ना दे। ये देखिए, बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ आ रही है, तेज़ आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसे भी मैंने फिट कर रखा है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल बता दूँ उसके साथ आपको मिला क्या क्या। एक ये आपको चीज़ मिली है, इसको आप शुरू में फिक्स कर सकते हैं, यानी इसके दांत जो हैं, जो इसके ब्लेड हैं, वो ख़राब ना हो। ये इस तरीके से आप इसे लगा सकते हो, तब आप यूज़ नहीं कर रहे हो तभी आप इसे लगा दें। दूसरी चीज़, इसमें ब्लेड मिले हैं आपको, ये फर्स्ट ब्लेड मिला है। चाहे तो आप बाल के अकॉर्डिंग कम है ज़्यादा है, आप इसे फिक्स कर सकते हो, इसे आप लगा सकते हो। इस तरीके से ये आगे की तरफ लग, ये इस तरफ इसमें ये लग जाता है, जैसे आपको यूज़ करना है अपने अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ करिए। तीन ब्लेड हैं इसमें,
ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाता है ब्लेड के पास। ये फर्स्ट ब्लेड है, उसके बाद दो और ब्लेड है, ये सेकंड ब्लेड है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर सेकंड भी लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो, ये सेकंड ब्लेड है। उसके बाद ये थर्ड ब्लेड है, बड़ा ब्लेड है ये। बाल की रॉडी अगर आपको छोटे काटने हैं तो फर्स्ट वाला यूज़ करें बहुत छोटे, उससे मीडियम काटने हैं तो सेकंड वाला, और अगर थर्ड करने हैं तो बड़े हैं तो थर्ड वाला। इसके बाद आपको यहाँ पे कैटलॉग मिली है, आप पढ़ सकते हो इंस्ट्रक्शन, ये भी पढ़ सकते हो कि कौन कौन सी क्या क्या बटन है वहाँ पे अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो, कैटलॉग है। उसके बाद एक ऑयल मिला है, ये ऑयल है, ये आपको यूज़ करना है ऑयल को जब आप अच्छे तरह से अपने बाल यहाँ से इसके अभी बता रहा हूँ मैं आपको। ये एक ब्रश है, ऑयल को कब यूज़ करना है, ये ब्रश है, ब्रश से आपको उसके जो दांत हैं जो ब्लेड हैं वो आपको साफ़ कर देने हेयर कटिंग के बाद। उसके बाद जब पूरा काम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपको ये ऑयल यूज़ करना है, एक दो बूंद आपको जो ब्लेड है ये एक दो बूंद यहाँ पे टपका देनी है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप मशीन चला दें ताकि वो ऑयल इस मशीन में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और स्मूथ चले अगली बार। ये सब काम ख़त्म करने के बाद आपको ये ऑयल यूज़ करना है, एक दो बूंद टपकानी है बस ये ब्लेड पे। और याद रखें जब आप ऑयल टपका दें तो उसके बाद मशीन को फिर यूज़ नहीं करना हेयर के लिए, ये लास्ट में काम करना है। एक बार हेयर आपने यूज़ कर लिए काट लिए उसके बाद ये ऑयल टपका दिए, उसके बाद फिर ये आपको एडजस्ट नहीं करना है। फिर ये जो दांत दिखा रहा हूँ मैं आपको ऐसे आगे की तरफ जा रही है, आगे पीछे हो रहे हैं, इसे आपको यूज़ नहीं करना है ऑयल करने के बाद, आपको इसे फिक्स करके करना है। एक बार फिक्स कर दिए उसके बाद थोड़ी देर के लिए मशीन आपने चला दी तो ऑयल मेल्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो ये वाला ऑयल है वो आपको जो यहाँ पे लगाना है यहाँ पे। तो ये चीज़ इसके साथ मिली है, ब्रश भी मैंने आपको बता दिया, ये ब्रश भी मिला है जो आप इसे आप साफ कर सकते हो। उसके बाद इसे यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, हेयर कैसे काटता है ये, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ, जैसा आप देख रहे हो ये मेरे पैर के बाल हैं, अब मैं ऐसे यूज करके दिखा रहा हूँ आपको। यूज करके बता रहा हूँ कैसे ये काम करता है। मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ और बिल्कुल स्मूथली मेरे बाल कटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप ये देख सकते हैं, ये बाल मैं काट के दिखा रहा हूँ, बहुत इजीली तरीके से मेरे बाल रिमूव हो रहे हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं आ रही है। कोई मुझे दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल इजी तरीके से मेरे बाल रिमूव हो रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कभी भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, चला सकते हो, ऐसे नहीं है ये बीच में बंद हो जाएगी कुछ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सही परफेक्ट ट्रिमर आया मेरे लिए और बिल्कुल सही तरीके से काम भी कर रहा है। तो ये देखिए मेरे पूरे बाल बिल्कुल साफ हो गए हैं, ये देखिए मेरे पूरे बाल बिल्कुल साफ हो गए हैं, मुझे कोई दिक्कत का सामना नहीं हुआ है।
ये आप देख सकते हैं बाल बिल्कुल इजी तरीके से निकले हैं। कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। ये देखिए आप बिल्कुल जूम करके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरी पैर के बिल्कुल बिल्कुल साफ कर दिए हैं। तो देखा होगा ये ट्रिमर बहुत ही अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, बिल्कुल सही तरीके से इसने बिल्कुल मेरे पैर के बाल बिल्कुल साफ कर दिए हैं। उसके बाद अगर आपको इसे क्लीन करना है तो आप ब्रश जो है ये जो ब्रश है इससे आप साफ कर सकते हैं, हेयर को साफ कर दीजिए। तो ये ट्रिमर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर लीजिए। अमेज़ॉन से मैंने मंगाया, लगभग 899 रुपये का ट्रिमर है, काफ़ी सूटेबल है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं ऐसे वीडियो और बनाते रहूँ। तो ट्रिमर बिल्कुल परफेक्ट है, FYC का है, आराम से आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग सकता है तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।